आज से ठीक 12 साल पहले काफी मन्नतों के बाद कैथल की मायापुरी कॉलोनी में आलोक का जन्म हुआ था। दो बहनों का अकेला भाई और परिवार में सबसे छोटा होने के कारण वो सबका लाडला था। आलोक एक शाम अपने मोहल्ले की गली में स्कूटी घुमा रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन उसे जोरदार टक्कर मारकर चला गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोट गंभीर होने के कारण डॉक्टर बचा नहीं सके। आलोक की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरी कॉलोनी उसकी मौत पर गमगीन है। ये मेरा भांजा था 13 साल का। इसका रोड एक्सीडेंट में इसको हेड इंजरी होने की वजह से इसकी डेथ हो गई। ये गली में ही हुआ है। ये गली में खेल रहा था, नई स्कूटी लाए थे, उसको घुमा रहा था गली में ही। एक मोटरसाइकिल वाला आया, उसने टक्कर मार दी, ऊपर से निकल गया। हेड इंजरी बहुत ज़्यादा थी, मुंह में से नाक में से ज़्यादा खून आ रहे थे। सरकारी में लाए या एमरजेंसी में लाए, यहाँ से साह पे भी ले गए, साह से ने भी रेफर कर दिया, चंडीगढ़ गए, रास्ते में पूरा हो गया। बच्चे का नाम हर्ष आलोक था, उम्र 13 साल थी। ये मायापुरी कॉलोनी गली नंबर 9 का रहने वाला था बच्चा। कार्रवाई तो ये ओवर स्पीड की वजह से ये हादसा हुआ है। अगर स्पीड कम होती तो थोड़ी चोट लगती, स्पीड बहुत ज़्यादा थी मोटरसाइकिल की, ने इतनी हेड इंजरी, इतना बहुत ज़्यादा ब्लड निकला है बच्चे का। बच्चा एक ही लड़का था जी, दो लड़कियों बाद तो हुआ था, 12 साल बाद हुआ था, वही 12-13 साल बाद वही पूरा हो गया। बच्चा 8वीं क्लास में था, जाट स्कूल में पढ़ता था, बच्चा बहुत एक्टिव था। वहीं घटना के बाद पुलिस उस अज्ञात वाहन का पता लगाने में जुट गई है। मेरा नाम पार्श कुमार है, उपनिरीक्षक पद है। कल सूचना मिली थी कि हर्ष आलोक एक लड़का है, एक्सीडेंट में लगी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। किसी अननोन व्हीकल ने उसको टक्कर मार के भाग गया। कोई मोटरसाइकिल चला था, ये मायापुरी कॉलोनी का था, रहने वाला था। उम्र करीब 13 साल। अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं, पोस्टमार्टम की वजह से। बहरहाल आलोक को तो वापस इस दुनिया में नहीं लाया जा सकता, लेकिन लापरवाह ढंग से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई से निश्चित तौर पर भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सकता है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब की सिटी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।